हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया एग्स करी। ये सब्जी बहुत ही जल्दी और कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में आप अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस तरह है। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 3 बड़े टमाटर, 3 लहसुन की गलियां, 1 हरी मिर्च और 2 हैंडफुल ऑफ धनिया, हरा धनिया फ्रेश। मसालों में इनमें हम लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा जीरा। साथ ही इसमें मैंने लिया है क्रीम। मैं यहाँ पर इस ग्रेवी को बनाने के लिए क्रीम यूज़ करूँगी। आप यदि मलाई हो आपके पास तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब एग्स करी बनाना स्टार्ट करते हैं। धनिया एग्स करी बनाने के लिए हम सबसे पहले अंडों को बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसके लिए हमें अंडों को फुल बॉईल करना है। इसके लिए हमने पानी में अंडे डाल दिए हैं, पानी को तेज आंच पे रखा है, साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब जितनी देर में ये अंडे उबलते हैं हम अपनी ग्रेवी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एग्स करी की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें टमाटर और लहसुन को ग्राइंड करना है। आइए सबसे पहले इनको ग्राइंड करते हैं। अब हम ये टमाटर और लहसुन को ग्राइंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर और लहसुन अच्छे से फाइन ग्राइंड हो चुका है। अब हम इनको एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसी जार में धनिया और हरी मिर्च ग्राइंड करेंगे। अब ये लहसुन और टमाटर और धनिया और हरी मिर्च ग्राइंड हो चुके हैं। आइए अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर और लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इस पेस्ट को 5 से 7 मिनट भूनेंगे धीमी आंच पे। देखिए अब टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें नमक एज पर योर टेस्ट और लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक भूनेंगे। अब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें धनिया पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर और धनिया का मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड करेंगे। ये क्रीम रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी नहीं। अब इस क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक धीमी आंच पर पकाएंगे। अब इस क्रीम में उबाल आने तक हमने जो अंडे उबाले थे उनको छीलकर काट लेते हैं। ये अंडे बॉईल हो चुके थे, अब हम इनको कट कर लेंगे। मैंने इनको बीच में से कट किया है, आप इनको किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं धनिया ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने एग पीसेस ऐड करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं इस एग करी ग्रेवी का कलर कितना सुंदर आया है। अब एग्स करी, एग्स धनिया करी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको डिश आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, धनिया एग्स करी बनकर बिल्कुल रेडी है। टेक्सचर और कलर देख सकते हैं कितना ही अच्छा आया है। आई होप यू लाइक दिस डिश। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको घर पर ज़रूर ट्राई करिए। आप इसको बटर नान, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।